नाजरीन, विजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उनसा क्यानी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जुड़वा शहरों के सबसे बड़े हफ्तावार बाज़ार में जो कि मंगल को, जुम्मे को और इतवार को लगता है और यहां पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिलती है। बहुत से लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं। आइए यहाँ पर मौजूद जाके लोगों से जानते हैं यहाँ पर जो चीज़ें उनकी जो मैार है और जो कीमतें और ख़ास तौर पर जो पार्किंग एरिया है उस हवाले से मुतमिन है कि नहीं। आइए यहाँ पर मौजूद जाके लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है। अच्छा साइमा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आई हैं, आपने कोई शॉपिंग कर ली वैसे अब तक? जी अभी आए हैं हम लोग, निकल ये चीज़ें तो अच्छी हैं, रेट बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा वैसे ये जुड़वा शहरों का सबसे बड़ा हफ्तावार बाज़ार है, यहाँ पे सब्ज़ी फ्रूट हर तरह की चीज़ मतलब कपड़े जूते सब कुछ मिल जाता है, तो आपको क्या लगता है एक जो चीज़ों की कीमत है उसके हवाले से बताइएगा और ये बताइएगा कि जो उन चीज़ों का मैार है उस हवाले से आप मुतमईन हैं? जी वो है, लेकिन चीज़ें तो अच्छी हैं, ज़्यादा ही कीमत बढ़ी हुई है। जैसे सब्ज़ियाँ वो ज़्यादा है रेट, पहले हम आते थे लेते थे यहाँ पे आते थे, अब वो भी रेट इतने हाई हो गए हैं हर चीज़ों के, जूते वगैरह कपड़े सब चीज़ों के। आपका नाम? एहसान जी, मोहम्मद एहसान। अच्छा मुझे ये बताएं एहसान साहब के एक तो आप यहाँ पे, आपने अब तक वैसे कोई चीज़ खरीदी है, ख़रीदारी कर ली है? अभी आए हैं जी, मोस्टली यहाँ से वीकली ख़रीदारी करते हैं, तो यहाँ पर मोस्टली प्रॉब्लम आता है पार्किंग का, पार्किंग यहाँ प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, जो है वो काफ़ी दूर है, तो बाकी यहाँ की जो मार्केट है बाकी मार्केटों से थोड़ी सी मुनासिब है, प्राइस मुनासिब होती हैं, चीज़ें भी मोस्टली फ्रेश होती हैं, तो है कि आम बंदा जो मिडिल क्लास वो ख़रीद सकता है। अच्छा ये है कि ये जो है ना जुड़वा शहरों का सबसे बड़ा इसे बाज़ार हफ्तावार बाज़ार कहा जा सकता है क्योंकि इसमें हर तरह की चीज़ सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह कपड़े जूते हर चीज़ एक ही जगह पर आपको मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो एक तो पार्किंग का तो आपने बताया वो मसला, उसके अलावा जो यहाँ पर हर चीज़ की कीमतें हैं और वही उस क्वालिटी में वो चीज़ आपको मतलब प्राइस में सही है? ठीक है, बेहतर है काफ़ी। वैसे उस जैसा मार्केट में आप जाते हैं टमाटर आम मार्केट से आप लेते हैं तो 40 से 50 रुपये पाव मिलते हैं, यहाँ आपको 100-120 रुपये किलो मिल जाते हैं, उस तरह बाकी भी चीज़ों की कीमतें काफ़ी बेहतर हैं। ये कि दुकानदार मोस्टली बढ़ाते तो हैं लेकिन उस तरह मार्केट की प्राइस से यहाँ की संडे बाज़ार बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। क्या नाम है आपका? रक्षंदा। अच्छा मुझे ये बताएं आप यहाँ पे ख़रीदारी करें, आपने चीज़ें खरीद ली अभी आपने मतलब शुरू किया है? नहीं नहीं ले ली हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये क्योंकि जुड़वा शहरों का सबसे बड़ा हफ्तावार बाज़ार है तो यहाँ पे आप आती हैं मतलब 3 दिन ये हफ्ते में लगता है आप यहाँ पे जब शॉपिंग करने आती हैं तो आपको क्या लगता है जो चीज़ों की प्राइस हैं वो जो चीज़ों की क्वालिटी है उस हवाले से आप मुतमईन हैं कि बिल्कुल प्राइस सही हैं और चीज़ें सही हैं? जी नहीं नहीं चीज़ें सही हैं और प्राइजेज़ भी ठीक हैं। और यहाँ पे पार्किंग का एक जो सबसे बड़ा इशू वैसे लोगों को देखने में आता है उस वाले से क्या कहेंगे आप? पार्किंग का है थोड़ा सा इशू कि वो बहुत रश होता है, मिलती नहीं है पार्किंग, संडे को तो बहुत ही रश होता है। क्या नाम है आपका? जी रशीद अहमद। अच्छा रशीद साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ पे शॉपिंग, आपने कोई शॉपिंग वॉपिंग कर लिया या फिर अभी सिर्फ आप देख रहे हैं विंडो शॉपिंग? बिल्कुल कर लिया, अब जा रहे हैं वापस। अच्छा अब आप वापस जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा तो मुझे बताइएगा जो आपने चीज़ें ली हैं आपको क्या लगता है वो आपको सही कीमत में और सही अच्छे मेयार की चीज़ें मिल गई हैं? कीमतों का तो मुझे नहीं पता है इसके इसका क्योंकि बाकी क्वालिटी जो है वो इट्स रियली प्रॉब्लम। अच्छा तो वैसे आपने क्या लिया यहाँ से? मैंने सब्जियाँ ली हैं, फ्रूट ले लिए। अच्छा यहाँ पे वैसे ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि आपको जो है ना अच्छी फ्रेश और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी सब्जियाँ और फ्रूट्स खास तौर पर, तो आप उसके लिए तो लोग आते हैं मगर अच्छी फ्रेश मिलती नहीं है, सुबह से पानी जो है उसके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं ये और शाम तक वो गल सड़ जाती है और आप रेफ्रिजरेटर में रखें इसको तो दूसरे दिन जो है उसमें से ख़राब होनी शुरू हो जाती है, फ्रेश जो है वो तो 5-4 दिन लेती है ना। सही, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम खान। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे जो ख़रीदारी कर रहे हैं आपने ख़रीदारी कर ली है? हाँ तकरीबन कर ली है बाकी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आपने जो चीज़ें ख़रीदी हैं तो आपको क्या लगता है वो आपको अच्छी प्राइस में और सही जो उनका मैार है जो उनकी क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी तो है? क्वालिटी ढूंढनी पड़ती है, बाज़ जगह सही नहीं है बाज़ जगह बहुत अच्छी है तो ये ढूंढ के लेना पड़ता है, ऐसे नहीं है। आप जो चीज़ें लेने आए थे आपने ले ली हैं? हाँ तकरीबन ले ली हैं। आप वो क्वालिटी और जो प्राइस है उससे मुतमईन है बिल्कुल? फिर के लेने पड़ती है क्वालिटी देख के, किसी के पास क्वालिटी सही नहीं होती किसी के पास अच्छी होती है तो ये घूम फिर के लेना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता सही। सही सौदा लेना हो तो आपको 8-10 दुकानें फिरनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? खलीलुर रहमान। अच्छा खलीलुर रहमान साहब ये बताएं कि आप जो ख़रीदारी करने आए थे आपने वो चीज़ें ले ली हैं? मैंने कुछ ले लिए, कुछ ले रहा हूँ अभी, अभी मैं तलाश कर रहा हूँ कोई फ्रेश चीज़ें मिले। तो वैसे ये बाज़ार इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे आपको खासतौर पे वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है ना अच्छे फ्रेश मिल जाते हैं और कीमतों के हवाले से भी है कि बेशक थोड़ी ज़्यादा है लेकिन चीज़ आपको अच्छी मिलती है, तो आप क्या कहेंगे आपने जो चीज़ें ले ली और अभी आप जो लेने जा रहे हैं तो आपको मतलब एक तो चीज़ों के मैार के हवाले से बताइएगा और कीमतों के हवाले से? मैार भी माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा है मैं देख रहा हूँ और कीमतें भी ठीक है, रिजनेबल है,
अगर मैं यहाँ से अटेंड जाता हूँ तो वो है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब मुनासिब है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तसली बख्श है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मौजूद जो लोग शॉपिंग करने आए थे उनका यही कहना था कि वो चीज़ों के मेयार से तो मुतमईन है लेकिन जो कीमतें वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ देखते रहिए विजन टीवी, लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।